पर्ल में फॉर और फॉरिच लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में फॉर लूप और पर्ल में फॉरिच लूप। मैं उपयोग कर रहा हूँ Ubuntu Linux 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा हम विभिन्न वैल्यूज के लिए कंडीशन को बार बार चेक कर सकते हैं, जो लूप्स का उपयोग करके किया जाता है। यहाँ पर्ल में विभिन्न प्रकार के लूप्स हैं, फॉर लूप, फॉरिच लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर और फॉरिच लूप कवर करेंगे। पर्ल में फॉर लूप का उपयोग कुछ समय के लिए कोड के भाग को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है। फॉर लूप के लिए सिंटैक्स निम्न है, फॉर स्पेस ओपन ब्रैकेट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट क्लोज ब्रैकेट एंटर दबाएं ओपन कर्ली ब्रैकेट्स कई बार निष्पादित होने वाले कोड का भाग क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। अब फॉर लूप का एक उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit forloop.pl ampersand और एंटर दबाएं। यह gedit में forloop.pl खोलेगा। कोड के निम्न भाग को टाइप करें !usr/bin/perl एंटर दबाएं। फॉर स्पेस ओपन ब्रैकेट $i = 0 सेमीकोलन स्पेस $i> or = 4 सेमीकोलन स्पेस $i++ क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ऑफ i: $i/n क्लोज डबल कोट सेमीकोलन और एंटर दबाएं। अब क्लोज कर्ली ब्रैकेट। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। मैं समझाता हूं कि फॉर लूप क्या करता है। वेरिएबल i 0 के लिए इनिशियलाइज होता है। आगे कंडीशन चेक होती है। इस केस में कंडीशन i> or = 4 है। यदि यह कंडीशन ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड निष्पादित होगा, अर्थात पहला प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ i:0 टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद वेरिएबल i 1 से बढ़ता है और फॉर लूप कंडीशन फिर से एक बार चेक होती है। यह लूप एग्जिट होगा जब i की वैल्यू 4 से अधिक होगी। इस केस में फॉर लूप i = 0, 1, 2, 3, 4 के लिए निष्पादित होगी, जो 5 बार का योग है। अब टर्मिनल पर जाएं। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें perl-c forloop.pl और एंटर दबाएं। यहाँ यह एक मैसेज प्रदर्शित करता है forloop.pl सिंटैक्स ओके। अतः हमारे पास कोई एरर्स नहीं है। अब perl forloop.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। अब फॉरिच लूप देखते हैं। यदि हम एक एरे के लिए कंडीशन की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, हम फॉरिच लूप का प्रयोग कर सकते हैं। सिंटैक्स है फॉरिच स्पेस डॉलर वेरिएबल स्पेस ब्रैकेट्स में @array स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट परफॉर्म एक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे एंटर दबाएं क्लोज कर्ली ब्रैकेट। कृपया ध्यान दें, हम एरे एरे इनिशियलाइजेशन और एरे की परिभाषा आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब फॉरिच लूप का एक उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit forloop.pl
स्पेस एम्परसेंट और एंटर दबाएं। यह gedit में foreachloop.pl फाइल खोलेगा। कोड के निम्न भाग को टाइप करें /usr/bin/perl और एंटर दबाएं। @myArray space is equal to space open bracket 10, 20, 30 close bracket semicolon। एंटर दबाएं। For each space dollar where space open bracket @myArray close bracket space open curly bracket, एंटर दबाएं और टाइप करें print space double quote element of an array is colon dollar where slash n close double quote semicolon। एंटर दबाएं और क्लोज करली ब्रैकेट। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। अब मैं समझाता हूं यह कोड क्या करता है। एक एरे माय एरे घोषित होता है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 और 30। फॉर ईच लूप की प्रत्येक पुनरावृत्ति में डॉलर वेर एरे के सिंगल एलिमेंट को सम्मिलित करेगा। For each कीवर्ड एरे के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए इस लूप को दोहराएगा। अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड प्रत्येक माय एरे एलिमेंट के लिए निष्पादित होगा। \n नई लाइन पर प्रॉम्प्ट रखता है। इसका तात्पर्य है कि पहला एलिमेंट 10 टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा, फिर 20 और आदि सभी एलिमेंट्स के प्रिंट होने तक। यह लूप माय एरे में सभी एलिमेंट्स के प्रिंट होने के बाद एग्जिट होगा। अब टर्मिनल पर जाएं और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें perl-c foreachloop.pl और एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी। यहां कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स नहीं है, अतः पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टाइप करें perl foreachloop.pl और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। अतः यह फॉर लूप और फॉरईच लूप के बारे में है। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में फॉर लूप और फॉरईच लूप। यहां आपके लिए एक नियत कार्य है। स्पोकन ट्यूटोरियल के रूप में स्ट्रिंग को घोषित करें और इसे 5 बार प्रिंट करें। @colorArray=red, white, blue के रूप में एरे के कलर को घोषित करें और फॉरईच लूप का प्रयोग करके एरे के एलिमेंट को प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यशवराब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।